मैं डॉक्टर ऋचा वाजने संभव निश्चित केयर हॉस्पिटल से। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया, जिसे हिंदी में श्वेत प्रदर कहते हैं, इसके लक्षण हैं सफेद वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। स्टार्टिंग में तो ये पानी जैसा पतला पतला स्त्राव होगा, जब ये क्रॉनिक हो जाएगा तो मिल्की यानी कि दुधिया रंग का हो जाएगा, जब और क्रॉनिक होगा तब ये स्टार्ची यानी स्टिकी मांड की तरीके से हो जाएगा। आपको ईचिंग होगी और अनइजीनेस लगेगी, वीकनेस लगेगी, आपका जो चेहरे का तेज है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि सारा खाया पिया इसके माध्यम से निकल जाएगा, शरीर में कुछ भी नहीं लगेगा, चेहरे का तेज बहुत खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप निस्तेज हो जाएंगे। इसके अलावा बैक एंड बेली पेन होगा, एक ऐसा बैक एंड बेली पेन जो कि आप डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स भी करेंगे तब भी आपका वो कमर का दर्द या बेली पेन ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका रूट कॉज ल्यूकोरिया है। जब तक ल्यूकोरिया ठीक नहीं होगा तब तक आपका कमर का दर्द या जो पेड़ों में दर्द है वो ठीक नहीं होगा। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से इजे गोइंग में घर में रहकर ही आप एक सिंगल पॉइंट से अपने इस भयंकर बीमारी जो ल्यूकोरिया है उससे आप निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है। मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट और बिल्कुल साइड में टुवार्ड्स स्मॉल फिंगर, अंगूठे की तरफ नहीं, टुवार्ड्स स्मॉल फिंगर, ये पॉइंट है। मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट और बिल्कुल साइड में, इस जगह पर और दोनों हाथों में है ये, राइट साइड में भी इस साइड टुवार्ड्स फिंगर स्मॉल फिंगर। यहाँ पर हमें लगाना है एक मेथी का दाना। देखिए साथियों, ये पेपर टेप है, पेपर टेप में हमने लगाया एक मेथी का दाना, जो अभी हमने प्रेशर पॉइंट बताया था इस जगह पर हमें पेपर टेप की मदद से ये मेथी का दाना चिपका देना है, इधर भी और इधर भी। पेपर टेप लिया, मेथी का दाना और इस पॉइंट पे। यदि आप दिन में लगा रहे हैं तो आप बार बार इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते रहें, प्रेशर देते रहें ताकि वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाए और हमें जो लाभ मिलना है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा आप 6 से 8 घंटा रात में लगाकर भी सो सकते हैं। यह आपको कई दिनों तक लगाना पड़ेगा, 15 दिन, 1 महीना, डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ल्यूकोरिया हुआ है। और जब आप रेगुलरली इस पॉइंट को लगाएंगे तो देखेंगे कि जो तमाम तकलीफें आपको हो गई थी वो सारी की सारी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। साथियों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बहुत सरल है, सहज है, इसे कोई भी सीख सकता है। यदि आपका भी मन हो और आप सीखना चाहते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।